गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवी स्टेट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड एवी एसटी फर्स्ट के पेपर इनकम टैक्स लैंड एग्जाम्स के चैप्टर व्यापार एवं पेशे से आई शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य आए हैं। टैक्सेबल इनकम संवृत्ति है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो कोई भी व्यापार अथवा पेशा जो किया जाता है। नंबर एक, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, तो व्यापार एंड पेशे से जो लाभ है एक वित्तीय वर्ष का, वो संपूर्ण लाभ व्यापार एंड पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य है। सेकंड है, प्रबंधकर्ता अथवा एजेंट को प्राप्त क्षतिपूर्ति, मुख्य व्यापार अथवा पेशे से लाभ के अलावा। दूसरे नंबर पे है कि यदि व्यापारी प्रबंध करता है अथवा एजेंट है तो उसको जितनी भी क्षतिपूर्ति राशि मिली है वो सब इस बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्ट के अंतर्गत करयोग्य है। फिर तीसरा है, आयात लाइसेंस की बिक्री से लाभ, तो यदि व्यापारी को आयात लाइसेंस की बिक्री से कोई लाभ हुआ है कि उसने खुद का जो आयात लाइसेंस है वो किसी को बेच दिया है और उससे जो लाभ मिला है तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। चौथा है, निर्यात के बदले सरकार से नगद सहायता, तो यदि कोई व्यापारी निर्यात करता है और उसको निर्यात करने के बदले में, निर्यात करता होने के कारण सरकार से कोई नगद सहायता मिलती है तो वो इस ये इनकम उसकी एड की इनकम मानी जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन एड की। और ये है, निर्यातकर्ता को आयात निर्यात करके वापसी, तो आयात निर्यातकर्ता ने जो आयात निर्यात कर चुकाया था उसकी अगर वापसी उसको होती है, रिफंड मिलता है, तो वो इसकी इनकम मानी जाएगी। और फिर व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ अथवा अनलाभ का मूल्य, तो छठे पॉइंट में व्यापार एंड पेशे से कोई भी लाभ प्राप्त होता है या लाभ नहीं होकर के और जो राशि या मूल्य प्राप्त होता है वो अनलाभों के रूप में, सुविधाओं के रूप में होता है, तो उन सुविधाओं का जो मूल्य है वो भी इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। सातवां है, साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज एवं वेतन धारा 40 बी में उल्लेखित सीमा तक, अगर व्यापार करने वाला व्यापारी अगर साझेदार है किसी फर्म में तो वहां से उसको जो भी ब्याज और वेतन मिलेगा वो उसके व्यापार एवं पेशे की आय मानी जाएगी। और एट्थ पॉइंट है, मकान संपत्ति की प्राप्तियां, यदि व्यापार एवं पेशे की कोई मकान संपत्ति है और फिर उनसे कोई आय प्राप्त होती है तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत करयोग्य है। और नाइन्थ है, अवैध व्यापार की आय, तो व्यापार की आय तो इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है, किंतु व्यापार ही अवैध किया जाता है तो चाहे वो अवैध व्यापार हो इस एक्ट के अंतर्गत उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। अवैध व्यापार की आय को छिपा नहीं सकते, टैक्सेबल होगी। और टेंथ है, सट्टे के व्यापार से लाभ, तो सट्टे का व्यापार भी किया जाता है यानी कि स्पेकुलेशन बिजनेस किया जाता है या कोई ऐसा आकस्मिक व्यापार किया जाता है तो वो सब लाभ इस एक्ट के अंतर्गत प्रमुख है। सट्टे के व्यापार जिसमें आमदनी निश्चित नहीं होती, भविष्य के कारणों पर निर्भर करती है, ऐसे भावी सौदे सत्य जो भी हैं उसके व्यापार के लाभ इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। और इलेवंथ है, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त राशि बोनस सहित, तो व्यवसाय के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बीमा पॉलिसियों से जो भी राशि बोनस सहित मिलती है वो सभी इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। और ट्वेल्थ है, कोई क्रियाकलाप नहीं करने अथवा अमूर्त संपत्ति में हिस्सा नहीं देने के घेराव के बदले में प्राप्त राशि, यदि
इस व्यापारी ने किसी दूसरे व्यापार से कोई ऐसा ठहराव किया है कि ये अमुक प्रकार का बिजनेस या क्रियाकलाप नहीं करेगा और या किसी अमूर्त संपत्ति में हिस्सा नहीं लेगा, तो ऐसे ठहराव के बदले में जो भी इनकम होती है या प्राप्य राशि होती है वो इस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। और फिर लास्ट है 13, किसी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने, उद्योग से हटा देने या स्थापित करने पर प्राप्य राशि, बेशर्ते ऐसी संपत्ति पर किए गए संपूर्ण व्यय की कटौती द्वारा व्यक्ति से बीते पैसे स्वीकृत की गई हो। यानी कि पहले कोई संपत्ति का निर्माण किया गया है और उस पर जितना भी व्यय हुआ है उसकी छूट धारा 35 AD के तहत मिल गई है, यानी कि उसमें उसको स्वीकृत व्यय दिखा दिया गया है, तो अब उस संपत्ति को गिरा देने से, नष्ट हो जाने से या उपयोग से हटा देने से या स्थानांतरित करने से अगर कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल है। धन्यवाद।